नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। एबीपी न्यूज पर अब हम आपको मिलवाएंगे आईआईटी के टॉपर्स से। आईआईटी जी एडवांस्ड का रिजल्ट आ चुका है, लड़कों ने इस बार बाजी मारी है। चंडीगढ़ के सर्वेश मेहतानी को देश भर में पहला स्थान मिला है, सेकेंड रैंक है पुणे के अक्षत की और तीसरे नंबर पर रहे हैं दिल्ली के अनन। तस्वीरें आप देख रहे हैं तीन टॉपर्स की, पहला स्थान सर्वेश मेहतानी को, दूसरा अक्षत और तीसरे दिल्ली के अनन, आईआईटी जी एडवांस के टॉपर्स बने। आईआईटी में टॉप करने वाले चंडीगढ़ के सर्वेश मेहतानी ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत में बताया कि उनका सपना है कि वो आईआईटी बॉम्बे में पढ़े और अब उनका यह सपना पूरा होने वाला है। सर्वेश दिन में 8 घंटे पढ़ते हैं। आइए सर्वेश से ही हम खास बातचीत करते हैं और आपको बताते हैं कि उनकी जीत का मंत्र क्या रहा। आईआईटी जेई एडवांस में ऑल इंडिया टॉपर सर्वेश मेहतानी है, हमारे साथ हैं। उनसे बात करते हैं कि उन्होंने ये मुकाम कैसे हासिल किया। हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर्वेश, सबसे पहले ये बताइए कि आपको ये उम्मीद थी कि आप ऑल इंडिया टॉपर होंगे? ऐसे कोई ऑल इंडिया टॉपर होने की उम्मीद नहीं कर सकते। ये होता है कि एक अच्छे रैंक जोन में एंटर करना है, तो मेरा एम ये था कि टॉप 10 में एंटर करना है, टॉप 10 या टॉप 5। तो फिर उसके बाद सबसे तैयारी करी और सबसे अच्छा रैंक आ गया, तो काफी खुशी होती है। तो क्या आप, क्या टीचरों का सबसे बड़ा योगदान था या आपके माता पिता काफी आपकी मदद करते थे? दोनों का ही अपना अपना योगदान था। माता पिता ने पूरे 2 साल सपोर्ट किया, मेरा ख्याल रखा, और टीचर्स ने पूरा गाइडेंस दी हमें और पूरे मेंटर की तरह काम किया मेरे लिए कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस रास्ते पे चलना है, सब कुछ उन्होंने बताया। तो क्या शेड्यूल क्या रहता था आपका, आपका क्या शेड्यूल रहता था पढ़ने का? मॉर्निंग में ज्यादा पढ़ते थे या इवनिंग में, नाइट में? देखिए, मैं सुबह जैसे उठता अराउंड स्कूल, पहले सुबह स्कूल जाते थे, उसके बाद कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए जाते थे, लक्ष्य इंस्टीट्यूट, उसके बाद अराउंड 5 to 6 आवर्स सेल्फ स्टडी करता था, तो मोस्टली मैं नाइट की स्टडी प्रेफर करता था, सेल्फ स्टडी के लिए अराउंड 1 बजे सोता था। कितने कितने घंटे आप स्पेंड करते थे सेल्फ स्टडी के लिए? अराउंड 5 to 6 आवर्स, और अगर छुट्टी है तो फिर अराउंड 8 आवर्स। कुछ लोगों को लगता है कि जिनका ऑल इंडिया रैंक आ रहा है वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग होते हैं, तो ऐसा क्या आप में खास था जो आप ऑल इंडिया टॉपर बने हो? ऐसा तो कुछ नहीं होता, हम भी वही चीजें खाते हैं जो बाकी सब खाते हैं, तो बस ये होता पढ़ने में, पढ़ने में कोई पढ़ने में आप ये कह सकते हैं कि बस जो टीचर्स कहते हैं वही उसी हिसाब से करते रहो, अपनी ज्यादा दिमाग नहीं चलाना, मतलब कि क्या पढ़ना है वो सब जो टीचर्स बताएं बस वही फॉलो करते रहो और हार्ड वर्क करते रहो। तो आपने क्या एम रखा है आप जिंदगी में, क्या बनना है जिंदगी में, कुछ सोचा होगा पहले भी? अभी इतना तो नहीं सोचा, क्योंकि आईआईटी में जाएंगे तो काफी अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी, लोग कहते हैं किसी बड़ी कंपनी का सीईओ बनना। कोई खास है आपकी, जैसे लिटरेचर पढ़ना या फिल्में देखना, कोई खास हॉबीज हो आप? हाँ, मेरी हॉबीज में कह सकते हैं कि बैडमिंटन खेलना या फिर नॉवेल्स पढ़ना काफी पसंद है। कौन सा नॉवल आपको पसंद है? एक मतलब ऐसे तो काफी सारी पसंद है, एक सत्यजीत रे की एक नॉवल है फेलुदा, तो वो काफी पसंद है, वो डिटेक्टिव नॉवल है। तो बैडमिंटन के लिए आप रोज समय निकाल पाते थे जब पढ़ रहे थे? देखिए, 10th तक मैं बैडमिंटन जरूर खेलता था, 2 साल फिर मैंने स्टॉप किया था, जेई के लिए वापस शुरू करूंगा, क्योंकि अभी आईटी में तो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है स्पोर्ट्स के लिए भी। बार बार इशू आता है कि आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा बिजी हो जाते हैं स्टूडेंट, तो आप सोशल मीडिया पर किस तरह रहते? सोशल मीडिया पर थे आप, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर? हार्डली कुछ सोशल, ट्विटर तो पता नहीं आज तक चलाया भी नहीं, पता भी नहीं यूज कैसे करते हैं, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का सोशल मीडिया चलाया था, लेकिन ऑलमोस्ट गिव अप कर दिया था सोशल मीडिया 2 सालों के लिए, क्योंकि पता था वो जरूरी होता है गिव अप करना ताकि कुछ अच्छा रैंक आ सके। आईटी एडवांस्ड में पुणे के अक्षत को दूसरा स्थान मिला है। अक्षत का कहना है कि उन्होंने आगे का अभी नहीं सोचा है। अक्षत से जानिए उनकी सक्सेस का मंत्र क्या है। आगे का क्या एम है आपको, क्या बनना है? ये पहले से ही आपने डिसाइड किया हुआ था कि मुझे ये करना है, या किसी ने आपको बताया, कहाँ से मोटिवेशन लिया आपने ये? ये मतलब मेरे को पहले तो मेरे को एरोस्पेस इंजीनियरिंग करनी थी, उसमें मेरे को शौक था थोड़ा, उसमें देखा कि उसमें आईआईटी होता है बेस्ट, तो उसके बाद फिर हमने 11th में स्कूल में कंप्यूटर साइंस था, तो उसकी वजह से कंप्यूटर साइंस में बहुत इंटरेस्ट आया, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि कंप्यूटर साइंस लेना है, और लोग बोलते हैं कि बॉम्बे बेस्ट है, तो मैंने वो अपना टारगेट बना दिया कि आईआईटी बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस चाहिए। सबसे ज्यादा हेल्प किसकी हुई इसमें, आपने जो आज इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लिया, जीत, आप एग्जाम में इतना अच्छा आपने परफॉर्मेंस दिखाया? सबसे ज्यादा तो क्या बोलूँ, पेरेंट्स ने भी बहुत हेल्प किया है, फ्रेंड्स ने बहुत हेल्प किया है, बाकी बीटी के टीचर्स सारे बहुत ज्यादा हेल्पफुल। उसी के साथ आप आगे क्या करना चाहते हो और दूसरे बच्चों को क्या दोगे, क्या सलाह देना चाहोगे, क्योंकि सब मेहनत करते हैं, सब कोशिश करते हैं, पर जीत सिर्फ किसी एक ही को मिलती है?
जीत सिर्फ एक ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ एक ही को जीत मिलती है, बहुत लोग होते हैं जो जीतते हैं, किसी ने भी क्लियर किया है एक हद तक तो वो जीते ही हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि एक जने जीता है, बट ये है कि स्पेशल स्किल चाहिए होती है। फर्स्ट एग्जाम में भी आप इतने अच्छे मार्क्स लेके पास हुए, सेकंड में भी आए, ऐसी कंसिस्टेंसी नहीं होती है, बार बार नहीं कर पाते हैं बच्चे, पर आपने ये करके दिखाया, दूसरों को क्या सलाह दोगे इसके लिए? मैं तो यही बोलूँगा कि प्रैक्टिस ही है सबसे इम्पोर्टेंट, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये एग्जाम में तो बिना प्रैक्टिस के नहीं कर सकते, ऐसे एग्जाम में मेहनत कितने घंटे मेहनत करते नहीं, मतलब पहले चार पाँच घंटे होते थे एकदम स्टार्टिंग में, फिर वो धीरे धीरे बढ़ बढ़ के टुवर्ड्स द एंड लाइक 8-9-10 घंटे हो गया। क्या बनना चाहते वो अभी श्योर नहीं है, देखते हैं अभी वो क्या कुछ डिसाइड किया होगा, कुछ तो पापा मम्मी से कहा होगा क्या बनना, क्या है जिंदगी में एम क्या है पता नहीं, वो एक बार अभी तो है 3-4 साल चूज करने के लिए, एक बार बीटेक कर लूँ उसके बाद सोचेंगे, तब तक थोड़े इंटरेस्ट भी क्लियर हो जाएंगे। आईआईटी की परीक्षा में तीसरा नंबर हासिल करने वाले दिल्ली के अनन्य अग्रवाल को 336 में से 331 अंक मिले हैं। अनन्य कड़ी मेहनत और प्रैक्टिस को सफलता का मूल मंत्र मानते हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता रविकांत ने अनन्य से बात की। जेई एडवांस में ऑल इंडिया थर्ड रैंक लाने वाले अनन्य अग्रवाल हमारे साथ हैं। अनन्य बहुत आपको मुबारक हो, क्या इस बार स्ट्रेटजी रही आपकी, क्या कुछ आपको आपने किया कि आपको इतनी बड़ी सफलता मिली? मैंने जो भी हमारी कोचिंग में पढ़ाया गया उसको काफ़ी अच्छे से पढ़ा और जितने भी टेस्ट हुए उनको रेगुलरली दिया और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश की जिससे कि स्पीड और कॉन्फिडेंस बढ़ा मेरा। पिछली बार से इस बार क्या कुछ डिफरेंस रहा, आपने स्टडी किया होगा, इस बार का एग्ज़ाम किस तरह का था? इस बार का एग्ज़ाम ज़्यादा एक्यूरेसी और स्पीड पे बेस था, पिछले बार से आसान था इसलिए कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा गया इस बार। कितनी उम्मीद थी आपको इसमें कितना मार्क्स लाने की? पहले तो मतलब कह पाना बहुत मुश्किल है, फिर आके जब चेक किया तो 330-331 की उम्मीद थी। क्या आपका गोल है, क्या आप आगे करना चाहते हैं? मेरे को कंप्यूटर साइंस पढ़ना है और फिर हो सके तो रिसर्च करनी है कंप्यूटर साइंस में। कंप्यूटर साइंस, हाँ। IIT दिल्ली या IIT बॉम्बे भी डिसाइड किया। क्या आने वाले जो बच्चे हैं उनको अगर आप कुछ की बताना चाहें अपनी कि क्या स्ट्रेटजी आपने अपनाई तो क्या कहेंगे? JEE की पढ़ाई में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हार्डवर्क और रेगुलरिटी है कि मतलब लगातार पढ़ाई करना ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि बीच में एक दिन ब्रेक ले लिया या फिर वीकेंड में थोड़ा पढ़ाई छोड़ दी। और दूसरा है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, जितनी वैरायटी प्रॉब्लम्स की सॉल्व करेंगे क्वेश्चन पेपर में उतना ही आसानी से सॉल्व हो पाएगा और उतनी रफ्तार बनेगी। ये है ABP न्यूज़, आपको रखे आगे।